सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे ब्लाइंडनेस एंड इट्स कॉजेस। तो डेफिनेशन ऑफ ब्लाइंडनेस, इसके अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं, जिसमें कि अगर अपन ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करें तो ऑप्थेल्मोलॉजी की डेफिनेशन ये कहती है कि द टर्म ब्लाइंडनेस स्ट्रिक्टली रिफर टू द इनएबिलिटी टू परस्यू लाइट, लाइट को परस्यू कर पाने में इनएबिलिटी होना, लाइट का जो सेंस रहता है उसको परस्यू नहीं कर पा रहे हम, उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंडनेस अकॉर्डिंग टू ऑप्थेल्मोलॉजी डेफिनेशन। अगर अपन WHO डेफिनेशन की बात करें तो WHO ने 1972 में एक डेफिनेशन दी थी, उसकी अगर अपन बात करें तो विजुअल एक्यूटी ऑफ लेस देन 3/60 और इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है, लेस देन 3/60 हो या इसकी इक्विवेलेंट हो, क्या विजुअल एक्यूटी, तो उसको अपन ब्लाइंडनेस में कंसिडर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इसको करेक्ट भी किया गया था और 1979 में इस डेफिनेशन को इनएबिलिटी टू काउंट फिंगर्स इन अ डे लाइट एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर टू इंडिकेट विजन लेस देन 3/60 और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब कि दिन के प्रकाश में फिंगर काउंटिंग नहीं कर पाए 3 मीटर की दूरी पे, उसको 3/60 उससे कम, उसको विजन एक्यूटी ऑफ विजन उसका 3/60 से कम है, उसके बराबर है, ठीक है। इसके बाद विजुअल फील्ड लेस देन 10, विजुअल फील्ड की अगर अपन के टर्म में अगर इसको डिफाइन करें तो विजुअल फील्ड कितनी, लेस देन 10 इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ विजुअल एक्यूटी इज ऑल्सो लेबल एज ब्लाइंडनेस। तो हमने तीन डेफिनेशन WHO की भी देखी, एक में क्या देखा हमने कि पहली जो डेफिनेशन थी उसमें विजुअल एक्यूटी जो थी वो 3/60 से कम या उसके बराबर, ठीक है। दूसरी हमने देखी कि डे लाइट में वो फिंगर काउंट नहीं कर पाए 3 मीटर की डिस्टेंस पे। तीसरी हमने देखी विजुअल फील्ड जो है वो लेस देन 10 डिग्री हो जाए, ठीक है, रिस्पेक्टिव द लेवल ऑफ विजुअल एक्यूटी इज ऑल्सो लेवल एज अ ब्लाइंडनेस। इसके साथ में हम बात करते हैं अब नॉर्मल विज़न, यहाँ पे ये जो चार्ट बना है इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, नॉर्मल विज़न, लो विज़न और ब्लाइंडनेस, ठीक है। लेवल ऑफ विजुअल एक्यूटी इसकी ये 0 to 5, ठीक है, तो 6/6 नॉर्मल, ठीक है, या 6/18। फिर लो विज़न वाले में कितना चला जाएगा, लेस देन 6/18, और उसका सेकेंड जो रहेगा उसमें कितना रहेगा, लेस देन 6/60। फिर जो ब्लाइंडनेस वाली चीज़ें हैं तो उसमें विजुअल फील्ड का क्राइटेरिया और साथ में लाइट परसेप्शन नहीं कर पाए या 3/60 से कम हो जाए, फिर 1/60 से कम हो जाए, तो इस तरीके से बताया गया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंट, जैसे अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस, जैसे प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस होती है, क्यूरेबल ब्लाइंडनेस होती है। जैसे प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस का एग्जांपल यहाँ पे ये दिया है कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी एंड ट्रेकोमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली मेजर, मतलब विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो ब्लाइंडनेस हुई है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्यूरेबल ब्लाइंडनेस कौन सी होती है, इज दैट इन विच विजन कैन रिस्टोर बाय टाइमली इंटरवेंशन, एग्जाम्पल कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस कैन बी क्योर बाय सर्जिकल ट्रीटमेंट, कैटरेक्ट वाली को अपन सर्जरी से सही कर सकते हैं। इसके अलावा मैग्नीट्यूड ऑफ ब्लाइंडनेस, तो ब्लाइंडनेस का जो मैग्नीट्यूड है उसकी अगर अपन बात करें तो जैसे WHO ने उसको बताया है कि ब्लाइंड ड्यू टू आई डिसीज 37 मिलियन, ब्लाइंड ड्यू टू रिफ्रेक्टिव एरर्स 8 मिलियन, ब्लाइंड ड्यू टू आल कॉजेस 45 मिलियन, लो विजन ड्यू टू आई डिसीज 134 मिलियन, लो विजन ड्यू टू रिफ्रेक्टिव एरर्स 145 मिलियन, और टोटल विजुअल इम्पेयरमेंट 314 मिलियन। देन इसके बाद 75 मिलियन विल बी ब्लाइंड ड्यू टू आई डिसीज बाय 2020। एवरी मिनट वन चाइल्ड गोज ब्लाइंड, एवरी 5 सेकेंड वन पर्सन इज इन आवर वर्ल्ड गोज ब्लाइंड। तो ये यहाँ पे फीमेल टू मेल ब्लाइंडनेस रेशियो फ्रॉम 1.5 to 2.2:1। और इसके बाद जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है यहाँ पे, जैसे कि 3 ब्लाइंड पीपल पर 1000 पॉपुलेशन इन
यूरोप, अमेरिका, जापान, और 9 ब्लाइंड पीपल पर 1000 पॉपुलेशन इन एशिया, 12 ब्लाइंड पीपल पर 1000 पॉपुलेशन इन अफ्रीका। देन इसके बाद अपन ब्लाइंडनेस के जो मेन काज क्या क्या होते हैं, ब्लाइंडनेस की मेजर जो काजेस है उसको अगर अपन डिस्कस करें तो उसमें कैटरेक्ट, ठीक है, 17.6 मिलियन कैटरेक्ट की वजह से, ग्लोकोमा 4.5 मिलियंस, और कॉर्नियल स्कारिंग इंक्लूडिंग ट्रेकोमा 1.3 मिलियन, एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन 3.2 मिलियन, डायबिटिक रेटिनोपैथी 1.8 मिलियन। ये हम उसका वो बात कर रहे हैं कि कितना परसेंट किसकी वजह से ब्लाइंड होता है, काज भी है और उसका परसेंटेज भी दिया हुआ है। उसके अलावा कुछ अदर काज होते हैं उसकी वजह से 10 मिलियन, ठीक है। तो ये कैटेरेक्ट, ग्लोकोमा, है ना, कॉर्नियल स्कारिंग इंक्लूडिंग ट्रेकोमा, एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन, डायबिटिक रेटिनोपैथी, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस इंक्लूडिंग जेरोप्थेल्मिया और ओंकोरो सीरेशियसिस। देन इसके बाद काजेज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, इंडिया में क्या क्या काज होते हैं, तो इंडिया में जो काज है उसमें प्रिवेंटेबल, क्यूरेबल, ठीक है, उसको वो वाले काज भी है कुछ, और कुछ जेनेटिक, कुछ जिग्नेटिक साइज के रहते हैं, बट ऑल्सो इफ ऑफ इट्स काज विच आर लार्जली आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं, हम इनको क्योर भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे काज भी हैं, और ताकि इसका मैग्नीट्यूड को अपन कम कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल इनिशिएटिव प्रोग्राम्स भी चलाए गए प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, WHO प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस प्रोग्राम, विजन 2020 राइट टू साइट, और विजन फॉर द फ्यूचर, ठीक है, तो ये चलाए गए। देन इसके बाद यहाँ पे एक डिसीज़ कंडीशन और उससे रिलेटेड परसेंटेज ब्लाइंडनेस, ये मेजर काज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया देखते हैं हम, कैटरेक्ट हो गया, रिफ्रैक्टिव एरर्स हो गया, ग्लोकोमा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी, कॉर्नियल ओपेसिटी, पोस्टीरियर सेगमेंट डिसऑर्डर, ठीक है, तो इनकी वजह से ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है, जैसे कैटरेक्ट, ठीक है, इसकी वजह से भी ब्लाइंडनेस होती है, इससे 72.2 मिलियन पॉपुलेशन को इसकी वजह से इसका परसेंटेज है 72.2% कैटरेक्ट की वजह से होता है, रिफ्रैक्टिव एरर्स की वजह से 6.3%, ग्लॉकोमा की वजह से 4.4%, सर्जरी कॉम्प्लिकेशन की वजह से ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है इंडिया में 3% केसेस में। अब जब बात करते हैं और डिसऑर्डर, जैसे ये सर्वे अलग अलग है, जैसे 2006 का मैंने पढ़ा, देन इसके बाद उसके बाद 1986 वाला सर्वे अलग था, तो ये अलग अलग सर्वे है, 2001 से 2002 वाला भी है, तो ये इसका जो है ना बढ़ता जा रहा है, ठीक है, कैटरेक्ट की वजह से बढ़ता जा रहा है, पहले 1986 में और भी ज़्यादा था, 80% कैटरेक्ट की वजह से होता था, अब 2006 से 2007 में 72.2। विजन 2020 द राइट टू साइट, ये क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव प्रोग्राम है जो कि WHO ने चलाया था, ठीक है, इसमें फेब 18, 1999 को ये प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है, और इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, राइट टू साइट के, और इसका पार्टनर्स कौन कौन है, तो WHO, ठीक है, और इसके अलावा कुछ IAPB, CBM, ये कुछ इसके पार्टनर्स है, इसके अलावा द सेंटर, कार्टनर सेंटर, कार्टर सेंटर, ऑपरेशन आई साइट, यूनिवर्सल, ये सब इसके पार्टनर्स है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं इसके, तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव प्रोग्राम है, ठीक है, इसके अलावा इसमें इसका क्या है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस न्यू ग्लोबल इनिशिएटिव इज टू एलिमिनेट अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस बाय द ईयर 2020 एंड टू रिड्यूस द ग्लोबल बर्डन ऑफ ब्लाइंडनेस विच करंटली अफेक्ट द एस्टिमेटेड 45 मिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड, उसको कम करना है उसके बर्डन को ब्लाइंडनेस के। इसके अलावा डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ट्रेकोमा, कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर्स और ओंको सीरेशियसिस, इन सब डिजीज़ को अपन को प्रिवेंट करना चाहिए। इसके अलावा कैटरेक्ट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस किस तरीके से वो करेंगे, तो इनकी काज है ये मेजर और इनको कंट्रोल करना विजन का एम है।
नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस NPCB, ठीक है। तो ये भी था, इसके अलावा कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी प्रैक्टिस ऑफ प्राइमरी लेवल, जैसे न्यूट्रिशन एजुकेशन देंगे, फेस वॉशिंग, हेल्थ एजुकेशन, गुड एंटीनेटल केयर, सेफ वाटर, इम्प्रूव्ड इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन, ये सारी कंडीशन करेंगे। और क्यूरेटिव पर्पज़ के लिए, प्रिवेंशन के लिए अपन जैसे प्रमोट कर रहे हैं इन सबको, और प्रिवेंशन के लिए अपन जैसे कि प्रोफाइल एक्सिस देंगे, विटामिन ए की डोज देंगे, मिजल्स वैक्सीन लगाएंगे, पेरीनेटल केयर करेंगे, हाइपोक्सिया को अवॉइड करेंगे बर्थ के टाइम पे, न्यूनेट्स की आइज को एग्जामिन करेंगे। तो ये हो गए प्रिवेंटिव। क्यूरेटिव कौन कौन से हैं, जैसे विजन स्क्रीनिंग, रेफरल फॉर सर्जरी, इमरजेंसी मैनेजमेंट, ट्रेकोमा का ट्रीटमेंट और कोमनाइडेसिस का ट्रीटमेंट, और रिहेबिलिटिव जो है प्रोग्राम है उसमें क्या करेंगे अपन, रिहेबिलाइजेशन करेंगे कम्युनिटी लेवल पे, और इसके अलावा काउंसलिंग करेंगे, ठीक है, इनक्यूरेबल ब्लाइंड केसेस का, और सर्टिफिकेशन ऑफ ब्लाइंड बाय आई सर्जन, इसके अलावा प्रोविजन ऑफ लो विजन सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर पिरामिड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ WHO, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, 200 ट्रेनिंग सेंटर्स, 1 for 5 million, और 2000 सर्विस सेंटर, 1 for 5 lakhs,